मोटो जी 54 का रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड हाँ इसके आइडल ड्रेन एंड हीटिंग सिचुएशन के बारे में भी बात करेंगे। डे टू डे लाइफ में जो भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उन्हें यूज करके ड्रेन किया है इंस्टेड ऑफ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन, ताकि आपको एक अप्रॉक्स आइडिया मिल सके मोटो जी 54 विद 6000 mAh बैटरी कैसा एक्सपीरियंस देने वाला है बैटरी वाइज इन योर डे टू डे यूसेज। एंड हाँ, यूजिंग द 33 वॉट फास्ट चार्जर कितना टाइम लगेगा 0 to 100% चार्ज करने में, सब कुछ एक वीडियो में। शुरू करते हैं। ओके, टाइम है शाम के 4 बजे। मोटो जी 54 का वाईफाई ऑन, ब्लूटूथ ऑन, एयरटेल सिम यूज कर रहा हूँ। ब्राइटनेस 60%, वॉल्यूम 50%, पहले 2 hours इंस्टाग्राम कंटिन्यूअसली। मैंने पूरे टेस्ट को 60% ब्राइटनेस पे किया है। मेरे को लगता है कि मेजॉरिटी लोग 60% या 70% के आसपास अपने फोन्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं। वैसे इंस्टाग्राम ने थ्रेड्स नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, याद है? मेरे को लगता है कि इंस्टाग्राम खुद भूल गया होगा। और मैंने ना कभी इंस्टाग्राम पे काम ही नहीं किया, ना वीडियोस डाला, ना पोस्ट रेगुलरली करता हूँ, ना प्रमोट किया अपने ऑडियंस को वहाँ पे। बट ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टेक, फोन्स, बाइक्स, वॉचेस, फील फ्री टू DM, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 hours इंस्टाग्राम एट 60% ब्राइटनेस, 50% वॉल्यूम के बाद बैटरी परसेंटेज इज एट 82%। अभी तक 0 हीटिंग इशू, यानी फोन इज कोल्ड टू द टच। याद रखना, फ्लिपकार्ट यूनिट है, मैंने खुद अपने पैसे से खरीदा है चैनल पे रिव्यू के लिए। अब OTT टाइम। 2 hours Amazon Prime Video, जेलर नाम का मूवी देख रहा हूँ। फोन वाइड 1L1 सपोर्ट करता है, सो आप लोग HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। फोन का कलर साइंस LCD होने के बाद भी हल्का सा AMOLED जैसा है, वाइब्रेंट है, नॉट द मोस्ट कलर एक्यूरेट, सो मेजॉरिटी लोगों को पसंद आएगा। एंड इस प्राइस रेंज में आई प्रेफर LCD, क्योंकि मेरे को रेड एंड ग्रीन लाइन से डर लगता है। आपने कभी रेड एंड ग्रीन लाइन्स इशू फेस किया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2 hours Amazon Prime Video, 60% ब्राइटनेस, 50% वॉल्यूम पे चलाने के बाद बैटरी परसेंटेज है 67%। इंटरेस्टिंग, याद रखना पूरे टेस्ट मैंने बेस्ट क्वालिटी पे किया है। OTT से ज़्यादा लोग YouTube प्रेफर करते हैं, सो 2 hours कंटिन्यूसली YouTube। सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगा है। YouTube पे मैंने लियो ट्रेलर चलाया। लियो एक साउथ इंडियन मूवी है अपकमिंग। नॉर्थ में उसका इतना क्रेज नहीं होगा, बट साउथ में क्रेजी सीन्स। थलपति विजय, विजय नाम तो सुना ही होगा। सो यूट्यूब 60% ब्राइटनेस, 50% वॉल्यूम पे 2 hours कंटिन्यूसली चलाने के बाद बैटरी परसेंटेज इज एट 54%, यानी सिर्फ 13% का ड्रॉप देखने को मिला है। इंप्रेसिव स्टफ। अब 2 hours आइडल ड्रेन। ब्रोस, रियल लाइफ में हम फोन्स को कंटिन्यूसली थोड़े ना यूज़ करते हैं, काफ़ी देर तक स्क्रीन ऑफ करके पॉकेट में पड़ा रहता है। सो उसे रेप्लिकेट करने के लिए 2 hours आइडल ड्रेन, जहाँ पे वाईफाई ऑन, ब्लूटूथ ऑन, बट स्क्रीन ऑफ। आइडल ड्रेन के बाद फोन का बैटरी परसेंटेज इज एट 51%, यानी सिर्फ 3% का ड्रॉप देखने को मिला है। अब 30 मिनट्स वीडियो बनाएंगे 1080p 30fps पे, ब्राइटनेस सेम 60% पे रहेगा। ब्रोस, मोटो जी 54 का कैमरा रिव्यू प्लस जी कैम रिव्यू मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इस वीडियो के बाद देख लेना, लाइक बटन के नीचे मिल जाएगा, कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा मोटो जी 54 के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। एंड उसमें जी कैम सैम्पल्स भी दिया है, अगर पसंद नहीं आया तो जी कैम से इम्प्रूव कर सकता है। सो 30 मिनट्स कंटिन्यूसली वीडियोज बनाने के बाद बैटरी परसेंटेज इज 42%, नॉट बैड एट ऑल। बट पता है बैड क्या है? हीटिंग। अभी तक फोन काफी ठंडा था, कोल्ड टू द टच, बट अभी काफी गर्म हो चुका है। अनकंफर्टेबल नहीं, बट काफी गर्म। और हॉनेस्टली बताऊं तो सारे ही फोन्स 30 मिनट्स वीडियोस बनाने पे हीट करेंगे, आप खुद इसे घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। एनीवेज, अभी हीटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए 1 hour कंटिन्यूसली वीडियो कॉल। मैं वीडियो कॉल्स के लिए गूगल मीट एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, एंड बीच बीच में मैंने फोन को टच करके देखा, डिस्प्ले, बैक, कैमरा मॉड्यूल के आसपास, एंड इट इज़ डेफिनेटली हॉट, लाइक अनकंफर्टेबल वाला हॉट बता सकते हैं। बट अगेन, इट इज़ एन एक्सट्रीम यूज केस, यहाँ पे फ्लड लाइट वगैरह ऑन है वीडियो शूटिंग करते वक्त। बट यस, जो है मैंने आपको बता दिया। सो 1 hour वीडियो कॉल के बाद बैटरी परसेंटेज इज एट 27%। जैसे मैंने पहले ही बताया, पूरे वीडियो कॉल के ड्यूरेशन में फोन वॉज अनकंफर्टेबली हॉट। इसे कूल डाउन करने के लिए 30 मिनट्स कॉल करेंगे, और जैसे कि आप टेस्ट पे देख पा रहे हैं पूरे टाइम स्क्रीन ऑन है, जो कि यूजुअली नहीं होता। सो यस, हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे पुश कर रहे हैं। 30 मिनट्स सब्सक्राइब किया कि नहीं के साथ बात करने के बाद बैटरी परसेंटेज है 23%, यानी सिर्फ 4% का ड्रॉप देखने को मिला है। कूल, अब रात हो गया है, सोने का टाइम। सो 7 hours 30 मिनट्स का आइडल ड्रेन, वाईफाई ऑन, ब्लूटूथ ऑन, सुबह मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग ब्रोस,
सो 7 hours 30 minutes आइडल ड्रेन के बाद बैटरी परसेंटेज इज 20%, यानी सिर्फ 3% का ड्रॉप देखने को मिला है, विच इज इंप्रेसिव। और रिजल्ट सामने सामने है, मेरे को कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ मोटोरोला से पैसे लेके वीडियोस बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय फोनपा। फोनपा इज अ वन क्लिक डेटा रिकवरी टूल। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे बीरोल्स लेना पड़ता है, कभी आईफोन्स कभी एंड्रॉइड फोन के साथ फाइल ट्रांसफर करते वक्त कभी फोटोज वीडियोस करप्ट या डिलीट हो गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर है, काफी सारे फीचर्स फ्री टू यूज मिल जाता है, जरूर डाउनलोड करना। फोटोज वीडियोस रिकवर करने के लिए फोन को पीसी से कनेक्ट करो, स्कैन करो, एक प्रीव्यू दिखाएगा रिकवर्ड फाइल्स का, उसमें से आपका पसंदीदा फोटोज वीडियोस म्यूजिक टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन द रिकवर बटन, यानी 3 easy steps में रिकवरी डन। इसका मेन हाईलाइट है इसका क्लीन एंड सिंपल टू यूज इंटरफेस, यानी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईफोन टू विंडोज, विंडोज टू आईफोन फोटोज वीडियोज म्यूजिक फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। डेटा का इंपॉर्टेंस आप समझते हैं, जरूरत पड़े तो गिव फोनपा अ चांस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड थैंक्स टू फोनपा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस सेगमेंट। अब 1 hour गेमिंग सेशन। मैंने टेनिस, क्रिटिकल स्ट्राइक, एसफॉल्ट 9 जैसे गेम्स को कंटिन्यूसली खेला एंड क्योंकि मीडियाटेक 7020 इज सुपर पावरफुल अंडर 15,000 rupees, काफी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस था। बट यस, 45-50 minute मार्क के बाद मैंने कैमरा बम्प के अराउंड हीटिंग या हल्का सा वार्मनेस नोटिस करना शुरू कर दिया था। सो 1 hour कंटिन्यूस गेमिंग के बाद बैटरी परसेंटेज इज एट 9%, यानी सिर्फ 11% का ड्रॉप देखने को मिला है, सुपर इंप्रेसिव। अब 30 मिनट्स इंस्टाग्राम 100% ब्राइटनेस पे। काफ़ी बार हम आउटडोर्स में इंस्टाग्राम रील्स चलाते हैं, वहाँ पे 100% ब्राइटनेस यूज़ करना पड़ता है, सो उसे रिप्लिकेट करने के लिए 30 मिनट्स इंस्टाग्राम 100% ब्राइटनेस। 30 मिनट्स इंस्टाग्राम के बाद बैटरी परसेंटेज इज 3%। अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था तो रैंडम एप्लीकेशन चलाने लगा, अमेजोन, क्रोम, फ्लिपकार्ट वगैरह, एंड फाइनली इन टोटल 9 hours 35 minutes, इम्प्रेसिव। काफ़ी हद तक रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है मैंने, बट डिस्क्लेमर, पूरे टेस्ट हमने वाईफाई पे किया। अगर आप पूरे टाइम 5G यूज़ करने वाले हो मोटो G54 पे, तो अराउंड 1.5 hours कम कर देना इस नंबर से और आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा मोटो G54 को पूरे टाइम 5G पे यूज़ करने पे कितना बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हल्का सा बैटरी ड्रेन इशू ज़रूर है, आप कहेंगे कि सिर्फ 3% ही तो ड्रॉप हुआ था 7 hours 30 minutes के आइडल रेंज में, दैट्स डिसेंट। यस डिसेंट है, बट पिछले 15 दिनों से इस फोन को यूज़ कर रहा हूँ, पहले के फर्स्ट वीक अराउंड 9-10% पर नाइट ड्रॉप होता था, और इसी के कमेंट्स आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में, एंड थैंकफुली थिंग्स हैव इम्प्रूव। अभी 3% आपको देखने को मिला, नॉर्मली 3-5% वेरी कर रहा है, दैट्स डिसेंट। एंड एक और चीज़ थैंक्स मोटोरोला को, क्योंकि ग्लोबल यूनिट में 15W का अडैप्टर मिलता है, बट यहाँ पे 33W का अडैप्टर मिल जाता है, जिसे यूज़ करके 0-30 minutes में 32%, 60 minutes में 72% एंड 1 hour 25-30 minutes में 100% चार्ज कर सकते हैं। अगर 5000 mAh पर बैटरी होता है इसमें तो रोस्ट करते हैं, बट क्योंकि 6000 mAh पर बैटरी है, दैट्स डिसेंट। जल्दी मिलता हूँ मोटो G54 के फुल रिव्यू के साथ, एंड ऑफकोर्स मोटो H40 न्यू के वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।